गाजीपुर से अमित उपाध्याय, पत्रकार यूपी हेड की खास रिपोर्ट। तथा कथित क्राइम ब्रांच के लोगों ने फोर लेन टोल प्लाजा पर किया बवाल, 15 लोगों के खिलाफ हुआ मुकदमा दर्ज। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पर थाना बिरनो अंतर्गत गोरखपुर गाजीपुर और वाराणसी फोर लेन टोल प्लाजा कयामपुर पर बीती रात मारपीट कर कर्मियों को घायल करने की एक शिकायत दर्ज हुई है। टोल प्लाजा के अकाउंटेंट शैलेश कुशवाहा ने शिकायत दर्ज कराते हुए पुलिस को सीसीटीवी में मारपीट और दबंगई का लाइव फुटेज पुलिस को उपलब्ध कराया है और शिकायत दर्ज कराया है कि वाराणसी गोरखपुर फोर लेन हाईवे दाढ़ी कयामपुर थाना बिरनो टोल प्लाजा पर स्कॉर्पियो सवार तथा कथित क्राइम ब्रांच कर्मियों के बीच पहले टोल न देने को लेकर धमकाया गया और बहसबाजी हुई, उसके बाद जमकर मारपीट किया गया। टोल कर्मी के तहरीर के अनुसार बीती रात भोर में मऊ के तरफ से आ रहे चार पहिया वाहन सवार युवक टोल प्लाजा कर्मी को बोले कि हम क्राइम ब्रांच है, बैरिकेडिंग हटा लो, तो कर्मचारियों ने बोला कि आप 9 नंबर लेने पर जाकर एंट्री कर दीजिए। टोल प्लाजा कर्मी के द्वारा युवकों से आई कार्ड दिखाने को बोला गया तो नहीं दिखाया और उनके फास्टैग में बैलेंस नहीं था, जिस पर कर्मचारी के द्वारा गाड़ी को पीछे ले जाने को कहा गया, तो तब युवक टोल कर्मियों से गाली गलौज करते हुए अपने और साथियों को मौके पर बुलाकर मारपीट करना शुरू कर दिए। अज्ञात युवकों द्वारा टोल कर्मियों को जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। अज्ञात युवक अपनी स्कॉर्पियो में बैठकर गाड़ी बैक करके तेज रफ्तार से टोल कर्मी रविंद्र यादव को पंकज कुमार को रौंदते हुए उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दिए। घटना में घायल दो कर्मचारी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिरनो लाया गया, जहां पर गंभीर स्थिति होने पर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। टोल कर्मी शैलेंद्र कुशवाहा के तहरीर पर अज्ञात 15 लोगों के खिलाफ बिरनो थाने में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। वहीं इस संबंध में बिरनो थानाध्यक्ष अशोक मिश्रा ने बताया कि तहरीर मिली हुई है, 15 लोगों पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अपना परिचय बताइएगा। शैलेश कुशवाहा, अकाउंटेंट के पोस्ट पर यहाँ पर कार्य करें, मिर्जापुर कियामपुर। बुधवार की रात्रि फोर व्हीलर से गाड़ी आए वीआईपी लेन पे, 10 नंबर लेन पे, तो वहाँ पे अपना क्राइम ब्रांच बता रहे थे। तो स्टाफ हमारा बोला कि क्राइम ब्रांच का, तो अपना कार्ड का एंट्री वहाँ पे कार्ड दिखा कर निकट जाइए। लेन पे गए, वहाँ पर उनके फास्ट बोले कि फास्टैग से हमारा पैसा ले लो। फास्टैग उस समय बैलेंस नहीं था, तो हमारा स्टाफ बोला कि अपना फास्टैग में रिचार्ज करके 2 मिनट बाद गाड़ी आप लेकर आइए, आप निकल जाइए। तो उन्होंने बहसबाजी गाली गलौज करने लग गए, नशे में पूरा दूध गाली गलौज करते हुए, फिर उन्होंने बह के बहस करने लग गए। बहस करने वाले फिर बोले कि हम अपना पावर दिखा देंगे, अभी हम जानते नहीं क्या है क्या नहीं है। भाई दो गाड़ी और बुलाए, वेगनार और स्कॉर्पियो से आए, उसमें कई लोग हमारे स्टाफ के पास इकट्ठा होकर आए, पूरे हमारे स्टाफ पे हमला किए, मारते हुए सब न करते हुए, फिर दो व्यक्तियों पे गाड़ी चढ़ाए, जिसके छाती में चोट है और एक का पैर में चोट है। इसके लिए इसकी इस घटना की जानकारी आप लोगों ने थाने में दिया है क्या? जी, हमने सूचना दिए थे, एसओ साहब को कॉल किए और सब अपना आई, अपना जो भी इंक्वायरी किए करके गए, जो भी हमने अपने प्राइवेट से अपना इलाज कराए बच्चों की, फिर बात करते हुए अभी तक हमने मुकदमा दर्ज पता चला दर्ज हुआ 15 व्यक्ति पे, अज्ञात व्यक्ति पे मुकदमा दर्ज कराया गई है। अभी तक गिरफ्तारी कोई नहीं हुई, अभी कोई कार्रवाई नहीं हो पाया।